तो क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, और आज मैं राजनीति शास्त्र का आपको सेट बी समझाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने आपको सेट ए बता दिया है। ये तीन तरह के पेपर है, इन तीनों पेपरों में ही आपका रियल पेपर समाहित है ना, डायरेक्टली नहीं बता सकते, आपको समझदार है ना। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 जनवरी 1947 को नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था द गार्ने ने। ठीक है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया तो ये क्या था आपका? लियो स्ट्रॉस। और भारत इनमें से किस राज्य का, किस प्रकार का राज्य है? तो हमारा जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष राज्य है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये महीना है। कितने रुपये? 5 लाख रुपये महीना मिलता राष्ट्रपति को। कितना कमाते हो आप? अभी तो अपन पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छे से कमाना, तुम भी 10 लाख कमाना, राष्ट्रपति के बाप बनना। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता संविधान एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक बनाने का पक्षधर थे। प्लूटो का प्रमुख ग्रंथ, ठीक है यहां हो गया है, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो 1922 में की गई थी। अनिवार्य नौकरशाही की हम बात करें तो वेबर, डिमांग और रोबसन आ जाएगा। संघीय सूची का 97 विषय आपको लिखना है। अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। हिंदू स्वराज्य गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। ठीक है, राजनीतिक समानता। ठीक है, और मानव अधिकार का जाएगा आपका यहां से एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर। राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्म निरपेक्ष इत्यादि अवधारणाओं से कैसे स्पष्ट करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? जे एस मिल था। समानता से क्या तात्पर्य? न्याय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का न्याय होता है। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? अपन मौलिक अधिकार कहते हैं। एक देश में भ्रमण करने हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता? विदेशी कहलाता है। नेट्स शब्द का मतलब होता पैदा होना। यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। अच्छे से सॉल्यूशन आप कंप्लीट करना है। ठीक है, जितना मुझसे आपकी हेल्प हो रही करने की बन रही है, आपकी कदर कर रहे हैं, मदद बढ़िया से कंप्लीट कर लो। फर्जी मान सकते हो, रियल मान सकते हो, जो पेपर मेरे पास आया भैया बता रहे हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 यहां से क्वेश्चन नंबर 18 आई है,